देवास उज्जैन रोड ब्रिज के नीचे रानीबाग में सड़क पर गंदगी करने को लेकर स्वच्छता निरीक्षक ने समझाइश दी तो कांग्रेस नेता मारपीट पर उतर आए। सिविल लाइंस पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक हेमंत उभनारे रानीबाग कॉलोनी पहुंचे। वहाँ नागौरी परिवार के घर के सामने कचरा बिखरा हुआ था। उन्होंने गंदगी करने को लेकर चालान काटने की बात कही। इस बात को लेकर नईम नागौरी, रियाज नागौरी, रहमान नागौरी ने स्वच्छता निरीक्षक से गाली गलौज कर मारपीट की। सूचना मिलने पर सभी वार्डो दरोगा सिविल लाइन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि स्वच्छता निरीक्षक को धमकी दी कि अगर हमारे ऊपर कार्यवाही की तो 2 दिन में तबादला कर दिया जाएगा और FIR दर्ज कराई तो अच्छा नहीं होगा। बताया जा रहा है कि नागौरी परिवार में कोई समारोह था। मैं जैसे उज्जैन ब्रिज के नीचे पहुंचा तो वहाँ पे देखा मैंने कि काफ़ी सारी गंदगी पाई गई वहाँ पे। अतीक नागौरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे रहमान नागौरी, तो इन लोगों को मैंने चालान कटवाने के लिए बोला तो इन लोगों ने मेरे साथ में बदतमीजी से बात करी, गाली गलौज करी और उसके बाद में मारने के लिए एक तरीके से वो लोहे का बोर्ड वगैरह, टापी वगैरह वो लेके आए थे मारने के लिए। गाड़ी में लात वात मारी और उसके बाद में बोला कि 2 दिन के अंदर बोले तुम लोगों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर बचाव करने के लिए वहाँ पे एक हेमाबाई थी सफाईकर्मी, और भी बात साथ में मेरे साथ में इंजीनियर थे हेमंत सितोले जी, मनमोहन मालवी जी और वार्ड 10 के दरोगा विजय चावरे जी, इन लोगों ने बीच बचाव कराया। अगर वो लोग नहीं रहते तो शायद मेरे साथ में कुछ गंभीर दुर्घटना हो सकती थी।